हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट करने वाले हैं। शॉर्टकट क्या है? मल्टीप्लाइंग नंबर्स एंडिंग इन 5। उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना जो 5 में एंड हो रहे हैं, और ये शॉर्टकट आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करने वाला है। स्पेशली बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। एक या दो सवालों में ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब नंबर 5 में एंड हो गए। जैसे हमारा पहला एग्जांपल 45 into 65। अब जो ये शॉर्टकट बता रहा हूं, इसकी डेरिवेशन भी है, आप खुद ट्राई करना डेरिवेशन। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। ये दोनों नंबर 5 में एंड हो रहे हैं। देखिए, अब 5 को छोड़ के यहां पर क्या बचा? 6। और यहां पे क्या बचा? 4। इस 6 और 4 में बड़ा कौन है? यस, 6। इस 6 का हम अगला नंबर ले लेंगे 7, और इस 7 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 गुना में 4 कितना हुआ? 28। और हमें ये 5 × 5 भी साथ लिखना है, 25। अभी खत्म नहीं हुआ, प्लस 50 × D। डी का मतलब डिफरेंस ऑफ दैट डिजिट्स, जो 5 के अलावा डिजिट्स बच गए थे 6 और 4, उनका डिफरेंस। तो यहां पे ये डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो 28 25 प्लस 100 कितना हुआ? 29 25। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन अभी तो शॉर्टकट बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस शॉर्टकट की, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैं एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सपोज आपको 35 को 75 से मल्टीप्लाई करता है, दोनों ही नंबर 5 में एंड हो रहे हैं। इस 7 और 3 में से बड़ा नंबर कौन है? 7। 7 का फिर हमने बड़े नंबर का अगला नंबर लिया 8। 8 को इस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, और 5 × 5 = 25। तो आपने करना ही है, प्लस 50 × डिफरेंस। यहां पे 7 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4 का। तो डी की जगह क्या पुट कर दूंगा? 4। तो 24 25 प्लस 200 कितना हुआ? 26 25। अब मैं जो अगला एग्जांपल ले रहा हूं, आपने पहले वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करनी है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। 85 × 145, 5 को छोड़ के यहां 14 है देखो, और यहां क्या है? 8 है। 14 का अगला नंबर 15, और 15 को इस 8 से मल्टीप्लाई किया, 15 × 8 = 120, फिर 25, 5 × 5 प्लस 50 × D। डी क्या है यहां पे बताइए? 14 में से 8 के 6, 120 25 प्लस 300, माइंड नहीं कर सकते हो, 123 25। ये हमारे इस सवाल का जवाब हुआ। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं, 75 × 95, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। 85 × 145, ये तो मैं आपको करा ही चुका हूं। 85 × 155, 95 × 165, तो ये सवाल आपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है। ये आपको ट्रिक जरूर समझ आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियोस ट्रिक समझ आ रही है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये, बहुत बेनिफिट करेगी। और हमारा चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और मेरा नंबर है 9813646268, इस पे आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।